सो फ्रेंड्स, आप बोल रहे हो कि आज की वीडियो में कौन से स्कैम होने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे होने वाला है मोबाइल कैमरा स्कैम। सो फ्रेंड्स, ये कौन सा स्कैम है इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानने वाले हैं, और ये वीडियो को आप लास्ट तक देखना और आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि हमारे साथ ये जो मोबाइल की कंपनी होती है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आईफोन, जितनी भी, ये हमें कैसे एड़ा बनाती है, फूल करती है। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि सबको पता है कि यहाँ पे अभी के टाइम पे आपको लो बजट में भी 14,000 15,000 के अंदर भी 64 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल के कैमरा देखने मिल जाते हैं, जो कि हमें सुनने में लगते हैं कि जो उसकी 48 मेगापिक्सल जो कैमरा है वो फोटो उसके अलग ही लेवल का होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप आज से 6 साल पुराना या फिर 4 साल पुराना फोन भी आपके मोबाइल से 48 मेगापिक्सल के मोबाइल से भी ज्यादा क्वालिटी दे सकता है, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। तो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपको सब यकीन हो जाएगा कि 4 साल पुराना फोन हो या फिर नया फोन हो, दोनों की क्वालिटी में कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है कि मेगापिक्सल का जो नाम वो बढ़ा दिया, 64, 82 इतना वो सब कर दिया, लेकिन फर्क आपको कहीं नहीं देखने मिलता। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि भाई 4 साल पुराना मोबाइल भी हमारे मोबाइल को कैसे टक्कर दे सकते हैं, मेरा मोबाइल तो 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा का है। झूठ लग रहा है ना? चलो टेस्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको दोनों मोबाइल का कंपैरिजन दिखाया और आपने डिफरेंस समझ लिया होगा कि भाई कौन सी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और किसी की बहुत ही ज्यादा खराब। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ ये दोनों मॉडल की, तो रेडमी का 9 पावर जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, और ये 2016 में लॉन्च हुआ था सैमसंग S7 Edge। दोनों का जो मेगापिक्सल है बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, इसमें 48 मेगापिक्सल है प्लस इसमें सिर्फ 12 मेगापिक्सल है। मतलब आप देख सकते हो कि कंपनी ने हमको मेगापिक्सल तो बढ़ा के दे दिया लेकिन क्वालिटी का क्या। तो फिर अगर आप अगली बार मोबाइल लेने जा रहे हो और आप भी मोबाइल इसलिए खरीद रहे हो कि उसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल मिल रहा है, 108 मेगापिक्सल मिल रहा है, तो ऐसा फ़ोन कभी मत खरीदना। आपको फूल बनाने के लिए मोबाइल को और बेचने के लिए वो ऐसा करते, जबकि आप देख रहे हो कि इसका 12 मेगापिक्सल है प्लस सिंगल कैमरा, तो भी आपको वीडियो की क्वालिटी एडवांस देखने मिल रही है। आपको इसमें भी थोड़े अलग दिखते हैं। देखो क्या होता है कि जो आगे कंपनी होती है वो कैमरे को थोड़ा सा एडवांस दिखाने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाती है, और सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाने के बाद क्या करती है कि जो अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो 48 मेगापिक्सल से, तो इसके अंदर आपको सैचुरेशन, जैसे आप देख रहे हो अगर पेड़ वेड़ का रिकॉर्डिंग करोगे तो हरा हरा ज़्यादा दिखता है, इसमें सैचुरेशन बढ़ा दिया जाता है, लेकिन आपको वीडियो की क्वालिटी उतनी नहीं, और जो ब्राइटनेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाता है कि वीडियो आप जब रिकॉर्ड करो तो ब्राइटनेस ज़्यादा रहता है, तो वीडियो में उजाला दिखता है, प्लस सैचुरेशन की वजह से ग्रीन दिखता है और सबके कलर परफेक्ट होते, लेकिन वो नेचुरल कलर नहीं होते, वो सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको ये सारे कलर आए जाते हैं। इसकी वजह से ये जो कैमरा है बोलने को तो 48 मेगापिक्सल का है, लेकिन काम इसका 8 मेगापिक्सल से भी बुरा है। और ये जो कैमरे होते हैं ये नेचुरल वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर पेड़ के पत्ते हल्के से हरे तो ये हल्के से हरे दिखाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन ये वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है, इम्प्रूव रहता है, तो आप समझ सकते हो। तो वीडियो को करता हूँ एंड, और वीडियो पसंद आ रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी वीडियो आपको और आती रहेगी। कुछ भी डाउट रहेगा वीडियो में तो कमेंट में बता देना, इसके ऊपर एक और वीडियो बन जाएगी डेडिकेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।